जी ये बड़ी शरारती होती जा रही है। मैं कुछ चाइना में गया हुआ था, वापस आया तो मुझे पता लगा जी एल्सा ने जो है ना हमारा जो बकरी का बच्चा है नन्ना मुन्ना था उसको बाइट कर लिया। जी देखें हमारा जो बच्चा है, तो हमने दो छतरे भी खरीदे हैं वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियाँ उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको पता है जी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना मसरूफ़ थे, क्योंकि दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और टाइम जो है ना काफ़ी बिजी हो जाता है। अभी बच्चा पार्टी जो है ना वो काफ़ी ज़िद कर रही थी, कह रही थी कि हमने जो है ना फार्म पे जाना है, तो हम उनको जो है ना फार्म पे लेकर आए हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, आप लोग खुश हैं? अब्बास भैया आप कैसे हैं? ठीक है, क्या बात है जी। हमारा यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। अच्छा जी एक बैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी हमने। अच्छा जी हमारी जो एल्सा है ना ये बड़ी शरारती होती जा रही है। मैं कुछ चाइना में गया हुआ था, वापस आया तो मुझे पता लगा जी एल्सा ने जो है ना हमारा जो बकरी का बच्चा है नन्ना मुन्ना था उसको बाइट कर लिया। जी देखें हमारा जो बच्चा है, ये आपको दिखाते हैं, ये बड़ा मासूम सा बच्चा है, इसको जो है ना एल्सा ने बाइट कर लिया, वो अभी आपको दिखाते हैं बाहर निकाल के। बच्चा पार्टी जो है ना ये लगी हुई है एल्सा के साथ। एल्सा गंदी बच्ची। अच्छा ये बच्चा पार्टी के साथ जो है ना एल्सा बड़ा खेल रही है अब इस वक्त जो है ना, इसको पता है इसकी पिटाई होनी है और जो है ना अब इस वक्त ये बड़ा शरीफ बनी हुई है। ये देखे जरा। हाँ अभी शजैन बताओ जरा, इसने जो बच्चे को काटा है इसका क्या, इसको क्या पनिशमेंट दें? पिटाई करेंगे इसकी, ठीक है। अच्छा भी अहमद आप बताओ एल्सा को क्या पनिशमेंट करनी चाहिए? इसकी पिटाई करेंगे। अच्छा जी अब जो हमारे अब्बास भाई है ना ये बड़ा एल्सा के साथ फ्री रहते हैं। अब्बास भाई बताएं जरा इसने क्या किया आपके? पता नहीं यार, इसने समझ से बाहर कर दिया, इतना फ्रैंक किया इनको, हमने बकरियों के साथ इसको बकरियों के साथ छोड़ते भी रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं, शायद न्यू एंट्री है, बच्चा है अभी न्यू बॉर्न था तो हमने नीचे शिफ्ट किया था, क्वारंटाइन करवा रहे थे ऐसे ही को, है तो बच्चे को जैसे हमने ऊपर शिफ्ट किया है तो इसने बाइट कर लिया, इसने समझ बिल्कुल ऐसे ही है जी। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी ब्लॉग्स में जो है इसको हमने ओपन छोड़ा होता है, इसने कभी ऐसा नहीं किया, समझ से बाहर है कि इस बच्चे के साथ जो है ना इसकी क्या दुश्मनी है। अब्बास भाई इसकी ट्रेनिंग जो है ना अभी इसकी ट्यूनिंग भी होने वाली है और इसकी ट्रेनिंग भी होने वाली है, ऐसे ही है। पिछले वीक भी मैंने थोड़ी सी की थी ट्यूनिंग, जिसकी वजह से ना आप थोड़ा थोड़ा सा ना संभल गई है, थोड़ा संभल गई है, एक हफ्ता डेढ़ लगेगा हो जाएगी सीधी। ईद के बाद इसकी जो है ना ट्यूनिंग करते हैं सही तरीके से, लेते हैं। अब ये देखे जरा कैसे घूम फिर रही है। एल्सा गंदी बच्ची, नीचे बैठो, सिट। क्या किया आपने ये बताओ जरा मुझे, आप करोगी? देखो आप भी हमने बच्चों में फ्रीली छोड़ा हुआ है, कितना फ्री हो रही है अब ये ऐसे कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा जी अब आए, अच्छा जी अब आए, हम आपको अपना बच्चा दिखाते हैं और साथ साथ जो है ना अपनी बकरियां भी आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ये हमारी कैला, ये बहुत शरारती है बच्चों के साथ जो है ना, ये कहती तो कुछ नहीं है लेकिन ये जमते बहुत लगाती है। ये देखें कैला, ये देखें बहुत फुर्तीली है ये। अब्बास भाई, अब्बास भाई यार बच्चा ला के दिखाए जरा हमें, और साथ दूसरी बकरियां भी बाद में खोल के दिखाते हैं, पहले बच्चा लेके आए। अच्छा जी पहले जो है हम एल्सा को बंद कर लेते हैं, ये देखें कैसे खड़ी हुई है। तलहा भाई इसको जो है ना बंद करें पहले आप, चलो अंदर चलो अपने केज में, ये देखो कैसे देख रही है बच्चे को। ये हमारा बच्चा है जिसको इसने बाइट किया, इसको जो है ना पहले एल्सा को हम बंद कर लेते हैं। ए कैसे देख रही है उसको अभी भी, अब्बास भाई बच्चा ले आए यार बाहर गोदी में उठा लें। ये बड़ा प्यारा बच्चा था, अब्बास भाई इसको ना आगे ले आए। ये देखे जी हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा, ये हमारे यमन का बच्चा है, और ये देखे जी इस जगह पे एल्सा ने इसको बाइट किया था, अभी ये हमने स्टिचेस लगवाए हुए हैं, टंके लगे हुए हैं इसको, और बच्चा जो है ना हमारा थोड़ा सा वीक हो गया। अब्बास भाई छोड़ के दिखाएं ज़रा, ये देखें जी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर होना शुरू हो गया अब ये। ये तलहा भाई के साथ जो है ना बड़ा माशाल्लाह से फ्रैंक है, क्योंकि ये इनकी केयर करते हैं, इनको खाना छाना खिलाते हैं,
तलहा भाई जरा इसको उधर लेके जाए, आपके पीछे पीछे आएगा। ये देखे जी, इसकी मेडिफिकेशन जो है वो चल रही है। ये देखे माशाल्लाह। चलो भी बच्चों, दूसरी जो बकरी है ना वो भी आप लोग सारी खोल के आओ, जरा जाओ जरा। हाँ अच्छा जी आए, अब अपने फार्म की जो दूसरी बकरी है ना वो भी आपको खोल के दिखाते हैं। चले जी बास भाई जरा खोल के आए जरा। चलो भी बच्चों खोलो सबको, चलो खाती साइड पे हो जाओ। ये हमारे फार्म की बकरी है माशाल्लाह जी, देखे जरा। आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ। ये देखे जी माशाल्लाह, ये हमारे फार्म की बकरी है माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा। ये वाली जो बकरी है ना हमारी माशाल्लाह से, ये बच्चा इसका है, इस बकरी का। और ये हमारी लैला है, बहुत शरारती है जी। अब्बास भाई प्यार से ले आए इसको बाहर। एल्सा नो सिट, एल्सा गंदी बच्ची। ये हमारे फार्म का बैकग्राउंड है जी, ये भी आपको दिखाते हैं। और ये हमारी बकरी है माशाल्लाह। चलो भी छोड़ दो बच्चों, इसको छोड़ दो, आप उसके साथ खेलो। अच्छा जी इसका नाम जो है ना हम सोच रहे हैं, देखते हैं जी इसका क्या नाम रखना है हमने। तो अब सबसे पहले अब्बास भाई से पूछे, अब्बास भाई ये बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए यार हमें? यार हमने तो सबके नाम रखे हैं, अब अपने व्यूवर्स से भी हम सजेशन लेते हैं। व्यूवर्स अपना कमेंट ड्रॉप करें, हमें बताएं इसका क्या नाम रखें। बिल्कुल भी बिल्कुल जी, दोस्तों आप ही हमें बताइएगा कि इस नन्हे मुन्ने से बच्चे का हमें क्या नाम रखना चाहिए। तो जो बाकी बकरी है उनके जो है हमने ऑलरेडी नाम रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अब्बास भाई बाकी बकरी को ज़रा तारुफ करवाएं हमारे दोस्तों को। ये जो हमारी सबसे खूबसूरत बकरी है इसका बताएं ज़रा। इसका नाम है जी सोनी। अच्छा इसका नाम लैला है। ये लैला है जी की बेटी है, तो रानी तो बल्ला को प्यारी हो चुकी है, तो ऐसे ही है। तो ये जी माही है, ये वाली माही है जी, ये वाली। और इसका नाम ये मिठो है जी, ये मिठो है। और इसका नाम क्या है जी? इसका नाम मुझे भी नहीं पता, इसका साउथ को ही पता। अच्छा आपको भी भूल गया इसका नाम। ये देखे जी ये माशाल्लाह हमारे फार्म की बकरियां हैं। इसके अलावा हमने दो छतरे भी खरीदे हैं, वो भी दिखाते हैं। अब्बास भाई जाए जी, दो छतरे भी खोल के आए जरा। मैं तो कह रहा हूं उनको नेक्स्ट व्लॉग पे रखो। नहीं यार कोई मसला नहीं है, अभी 3-4 दिन हो गए। अब्बास भाई कह रहे हैं कि यार वो दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जाए जी अब्बास भाई खोल के आए जरा। अच्छा जी ये छतरे जो है ना हमने तकरीबन 3-4 दिन पहले लिए हैं, और जब ये हमने लिए थे ये तब जो है काफ़ी जद की वजह से इनके ऊपर आपको पता है काफ़ी बाल होते हैं। अच्छा जी जब हमने ये परचेज किए थे ना तो ये दोनों बड़े मोटे मोटे लग रहे थे, अभी जो है ना ये मोटू से पतलू निकल आए हैं। अब्बास भाई छोड़े ज़रा इनको। अच्छा ये दो छतरे हमने रिसेंटली परचेज किए हैं, इनकी जो है ना हमने कटिंग वगैरह करवा दी है, चूँकि आगे जो है गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसा ऐसा जो है ना इंशाल्लाह ताला ईद से पहले पहले ये बेहतरीन हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। इनका नाम भी जो है ना बच्चों ने सोच लिया है। शाज़ैन बताओ ज़रा क्या नाम रखना है? बंटी और कोको। बंटी और कोको, ये तो लड़कियों का नाम है यार, कोई और नाम सोचो। हाथी आप बताओ ज़रा। मैं तो कहता हूँ हाथी इसका नाम रख लेते हैं बंटू और बबलू। हाँ बंटू और बबलू नाम सही है, ठीक है ठीक है। हाथी अहमद किधर गया? ये अहमद। अहमद आप बताओ क्या नाम रखना है जी छतरों का? बंटू और बबलू सही है नाम। चलो जी आपने जी रोजा रखा हुआ है तो अहमद ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना बीच में से स्किप होता है, जाके सांस लेता है फिर आता है। हाँ जी माशाल्लाह अहमद ने रोजा रखा हुआ है जी। और शाज़ैन आपने कितने रोजे रखे हैं? दो रखे हैं। हादी आपने? इसने कोई भी नहीं रखा। अच्छा जी ये हमारे फार्म के बकरे आप देखें और इंजॉय करें जरा। ये देखें माशाल्लाह। अभी ने दांत के रोजे रखे
इरफान भाई, तो जिस चीज़ का हमें इंतजार था हमने अपने व्यूवर्स के लिए जो गुड न्यूज़ रखी है उनको इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ईद के बाद जो है ना, हमने जो अपने फार्म के अंदर पैलेट्स यूज़ किए हुए हैं वो हम इंशाल्लाह ताला हमारे ईद के बाद जो है वो पहुँच जाएंगे। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स जो इंतज़ार कर रहे हैं पैलेट्स के लिए, उनको इंशाल्लाह ताला जो है ना ईद के बाद मिल जाएंगे। और उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है जी, ईद के तीसरे या चौथे दिन आबाद भाई हम जो है बहावल नगर जा रहे हैं बकरों की परचेजिंग के लिए, तो उसका भी लोग भी जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों जी पास भाई, ठीक है ना जी? जी ज़रूर। और पैलेट्स जैसे जितनी जल्दी हो सकता है आप परचेज करें, क्योंकि बीच में एक या दो प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे बहुत से कस्टमर्स थे, हमारे व्यूवर्स थे जो पेंडिंग पे थे कि सर कब आने हैं कब आने हैं, तो उनके लिए हमने कहा चले वीडियो में शेयर करते हैं। बस नेक्स्ट मंथ तकरीबन आ ही जाएंगे उस्मान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है जी, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला पैलेट्स जो है वो हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।